हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। आज मैं आपके लिए बहुत ही डिलीशियस वेज चीज़ मेयोनीज सैंडविच की रेसिपी लेके आई हूँ, जो सभी को बहुत पसंद आने वाली है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इस सैंडविच को बनाने के लिए कुछ वेजिटेबल्स मैंने ली हैं। यहाँ पर मैंने एक छोटा प्याज लिया है जिसे मैंने कट कर रखा है बारीक, और तीनों तरह की शिमला मिर्च ली है, और आधी मैंने गाजर लिया जिसे श्रेड कर रखा है, और कॉर्न लिया है थोड़ा सा, और ये पत्ता गोभी को मैंने बारीक चॉप कर रखा है। सबसे पहले सारी वेजिटेबल्स को एक बाउल में हम डालकर मिक्स कर लेंगे। सारी वेजिटेबल्स को मैं बाउल में डाल रही हूँ। अब इसमें डालने के लिए मैंने मेयोनीज़ लिया है, ये वेज मेयोनीज़ है, 4 चम्मच मैंने मेयोनीज़ लिया है। और ये 2 चम्मच मैं फ्रेश क्रीम ले रही हूँ। आप इसकी जगह जो घर पे मलाई रहती है दूध की वो भी डाल सकते हैं। और यहाँ थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। 1/2 चम्मच मैं काली मिर्च डाल रही हूँ, ये ऑरिगेनो है 1/2 चम्मच, और 1/2 चम्मच मैं चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। अब सारी वेजिटेबल्स को हमें मिक्स करना है अच्छे से मेयोनीज़ के साथ में। बिल्कुल बेसिक से मैंने जो मसाले हैं वो लिए हैं, इन्हीं से बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। यहाँ मैं टमाटर डालना भूल गई थी, ये टमाटर भी मैंने एक आधा टमाटर लिया है जिसे मैंने छोटा चॉप कर रखा है, और जो अंदर का इसका सीड रहते हैं वो मैंने निकाल दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे सभी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं मेयोनीज़ के साथ में। इसको एक साइड में रख लेते हैं। और यहाँ पर मैंने ये 4 पीसेस मैंने ब्रेड के लिए, आप कोई सी भी ब्रेड ले सकते हैं, ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं, मल्टीग्रेन ले सकते हैं, या मैंने नॉर्मल वाली ब्रेड ली है। अब यहाँ पर मैं इस पर थोड़ा सा बटर लगा रही हूँ, चारों स्लाइस पे आपको बटर लगा लेना है। बटर रूम टेम्परेचर पे होगा तो ठीक से स्प्रेड हो जाएगा। यहाँ देखिए मैंने चारों स्लाइसेस पे बटर लगा लिया है। अब हमें 2 स्लाइसेस पे ये ग्रीन चटनी लगानी है, ये धनिए की चटनी है, नॉर्मल चटनी जैसे हम घर में बनाते हैं, तो 2 स्लाइसेस पे मैं ये लगाऊंगी। अगर आप मेरी इस डिश को ट्राई करते हैं तो आप इस डिश के फ़ोटोज़ क्लिक कर कर मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज पर सेंड कर सकते हैं। दोनों ब्रेड स्लाइसेस पे मैंने ग्रीन चटनी लगा ली है। अब 2 स्लाइस पे हमें टमाटो केचप लगाना है। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो इस पे शेजवान चटनी भी लगा सकते हैं आप, और अगर बच्चे खा रहे हैं तो टमाटो केचप ही ठीक है। आप इसे लंच बॉक्स में भी बच्चों को स्कूल में दे सकते हैं, उन्हें बहुत पसंद आने वाला है सैंडविच। अब जो हमने मिक्सचर बना के रखा था उसे हमने एक स्लाइस पे रखते जाना है, ऐसे अच्छे से भर के लगाएंगे तो बहुत अच्छे से सैंडविच तैयार होगा। दोनों स्लाइसेस पे मैंने जो है वेजिटेबल्स लगा दिए हैं। अब मैं इसके ऊपर ये चीज़ डाल रही हूँ, ये प्रोसेस चीज़ है जिसे मैंने श्रेड करके रखा हुआ है। अगर आपके पास चीज़ स्लाइस हैं तो आप वो भी रख सकते हैं। अब जिस पे हमने टमाटो केचप लगाया था उस स्लाइस को हम उसके ऊपर रख देंगे। और अब हम सैंडविच को टोस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर गैस पे मैंने एक पैन रख दिया है, ये मैंने एक बड़ा वाला डोसा पैन लिया है जिस पे हम सैंडविच को टोस्ट करेंगे। तो थोड़ा सा बटर लगा दिया मैंने पैन पे। और सैंडविच को उठा के इस पे रख देंगे, गैस को स्लो ही रखना है। दूसरा सैंडविच भी मैंने रख दिया। अगर आपका पैन छोटा है तो आप एक एक करके भी इसको टोस्ट कर सकते हैं, मेरा पैन थोड़ा बड़ा है तो मैंने दोनों एक साथ रख लिए हैं। और ये ऊपर की साइड भी मैंने बटर लगा दिया है जिससे कि सैंडविच में बहुत अच्छा कलर भी आएगा और टेस्ट भी आएगा। बस ऐसे ही दोनों तरफ से पलट के
आप सैंडविच को गोल्डन ब्राउन होने तक ऐसे टोस्ट कर लीजिए। मैंने एक साइड से पलट लिया है, दूसरे सैंडविच को भी मैं पलट दूँगी। सैंडविच बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, यहाँ पर भी थोड़ा सा बटर और लगा लेते हैं। और अब मैं इसकी प्लेटिंग कर लेती हूँ। बिल्कुल रेडी है सैंडविच, यहाँ पर देखिए मैंने इसको प्लेट में सर्व कर दिया है, हरी चटनी और टमाटो केचप के साथ में। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह आपके लिए नई नई रेसिपीज़ लेकर आती रहती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।